कोई कार्य एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि कोई कार्य लगातार करते रहने से एक दिन बहुत ही आसानी से हो जाता है। आप जैसे देखिए कि कोई भी चीज़ जो है, अगर आप करते हैं शुरू में तो बहुत कठिन लगता है, ऐसा लगता है कि ये तो हो ही नहीं पाएगा मुझसे, यार मैं बहुत इसको लेके झूठे ही परेशान हूँ, बहुत निराशा होती है। लेकिन बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत करते हैं, रिजल्ट कम मिलता है, लेकिन एक दिन जो है आप सीख जाते हैं तो बहुत आसानी से उसको कर लेते हैं। तब वो उसी का अपोजिट होने लगता है कि कम मेहनत लगती है, ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। शुरू में आपको जो है ज़्यादा मेहनत करनी होगी, कम रिजल्ट मिलेगा। एक दिन जो है आप कम मेहनत करेंगे, ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट होने लगेगा। जब आप उसको सीख जाएंगे तो आप कम मेहनत करेंगे, ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि बिना सीखे आप जानते हैं कुछ भी नहीं किया जा सकता, और सीख के तो लोग जो हवाई जहाज़ को भी उड़ा दे रहे हैं। तो बस आप लगातार लगे रहिए। एक चीज़ आप सुना होंगे, आप देखे भी होंगे, जानते होंगे कि ये सच है कि मोती सभी गोताखोर को नहीं मिलता, लेकिन ये भी सच है कि मोती गोताखोर को ही मिलता है। इसका मतलब ये है कि सभी गोताखोर को मोती नहीं मिलता, लेकिन मोती ये भी सच है कि मोती गोताखोर को ही मिलता है। इसलिए क्योंकि वही तो खोजने जाता है, गोताखोर ही मोती खोजने जाता है, तो उसी को तो मिलेगा। जो जाता ही नहीं उसको तो अपने से आके मिल नहीं जाएगा। तो इसीलिए आप मेहनत इतनी शिद्दत से करें कि आपको जो है किस्मत की कभी बात ही नहीं करनी पड़े कि ये तो मेरे किस्मत में ही नहीं था, ये मेरे किस्मत में, हमारे किस्मत में नहीं है। आप ऐसी मेहनत करिए कि आपको कभी किस्मत का नाम न लेना पड़े। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना मेहनत किए बैठे हुए किसी को कुछ नहीं मिलता। तो बस आप अपना कर्म करते रहिए, लगातार करते रहिए। एक दिन में कोई कार्य नहीं होता, लेकिन ये भी जानते हैं कि लगातार करते रहने से एक दिन जरूर होता है वही कार्य। तो अपना कर्म करते रहिए। आपको जो है पढ़ाई करना है तो पढ़ाई लगातार करते रहिए। शुरू में आपको मेहनत लगेगा, बहुत अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक दिन जो है जब उसको सीख जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा उसको करने में, और बहुत आसानी से कर लेंगे, और जो है आप कम मेहनत करके ज़्यादा रिजल्ट लाएंगे। शुरू में आपको गेम खेलने में मज़ा आता है, लेकिन आप ये सोचिए ना, आप उससे अपना क्या फ़ायदा कर रहे हैं? वो तो फ़ायदा जिसने गेम बनाया उसका हो रहा है। आप भी कोई ऐसा सिस्टम बनाओ ना कि काम दूसरे करें, फ़ायदा आपका हो। कुछ ऐसी थिंकिंग लाओ यार। आपके जो है स्टूडेंट, आपके बच्चे जो है गेम वेम में, पबजी में इतने दीवाने हैं, कोई आप भी ऐसा सिस्टम बनाओ, सोचो उसके बारे में जिसने पबजी बनाया है। उसने बना दिया, आप खेलते हैं, मेहनत आप करते हैं, सब कुछ आप करते हैं, पैसा उसको जाता है, आपका थोड़ा इन्जॉयमेंट होता है, उससे ज़्यादा आपका कितना कीमती समय चला जाता है। तो जो है आपका इन्जॉयमेंट होता है, तो इसलिए अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। आप भी ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ ना कि जो है दूसरे काम करें आपको पैसा आए। तो इस तरह से उसके लिए क्या करना होगा, आपको सीखना होगा। हर काम जो है आप सीख जाएंगे, उसके बारे में अच्छे से आपको जानकारी हो जाएगी, तभी आप करेंगे। इसीलिए एजुकेशन उसके लिए सबसे मस्ट है। आप जानते हैं कि पढ़ाई रहेगी, आपको एजुकेशन रहेगा, जानकारी रहेगी, तब आप कुछ अपना क्रिएट कर सकते हो, कुछ बढ़िया कर सकते हो, कुछ नया कर सकते हैं जो सब लोग देखें, सब पसंद करें, उसको जो है मतलब उस पर कार्य करें, और जो है आपको उसका परिणाम मिले, उसको आपका जो है आपको उसका रिजल्ट मिले। तो कुछ ऐसा करिए कि लोग आपको जो है आपको फॉलो करें, आपकी चीज़ों को पसंद करें। कहा जाता है ना कि जो है बैठे बैठे समय गंवा देते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि यार ये तो मेरे भाग्य के भरोसे ही नहीं था। अगर जो है जानते ही आपके समय कभी वापस आने वाला नहीं है, आप समय को जो गंवा दे रहे हैं वो समय कभी नहीं, दुनिया का कोई भी आदमी नहीं, चाहे जितना भी पैसा वाला आदमी है, कोई समय को वापस नहीं ला सकता अपने। तो इसलिए आप अपने समय को एकदम उसी कार्य में लगाइए जिसका जो है आपको फ्यूचर में लाभ मिले। अपना जो है आप ड्रीम बनाइए, अपने ड्रीम पे हमेशा उसके बारे में सोचिए कि जब मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा तो मेरी लाइफ कैसी होगी, कैसा मुझे फील होगा। उसको जो है आप अभी फील करिए कि उस समय आपको कैसा लगेगा जब वैसा बन जाएंगे, तो उसको अभी फील करिए। फिर वहाँ तक पहुँचने के लिए जो जो करना उसको एकदम कंटिन्यू करते रहिए, लगातार अपने कार्य पर लगे रहिए, मार्ग पर। जो अब मैंने मोती आपको बताया ढूंढने वाली बात, तो गोताखोर मोती ढूंढते हैं तो इसीलिए गोताखोर ही पाते हैं। कोई गोताखोर जा रहा है एक दिन नहीं पाएगा मोती, फिर कब दूसरे दिन नहीं पाएगा, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो मोती पा जाएगा, क्योंकि वो लगातार प्रयास कर रहा है। और जो बैठ के खाली सोच रहा है, आप सोच के देखिए ना, क्या कभी उसको मिल सकता है मोती? कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो तो गया ही नहीं ना, उसके लिए कुछ किया ही नहीं, तो उसको कहाँ से मिलेगा। लेकिन जो रोज जा रहा है, एक दिन नहीं मिलेगा, दो दिन नहीं, कभी तो मिलेगा,
उसको जब भी मिलेगा तो ये इतना तो पक्का जानते हैं कि जब भी मिलेगा तो उसी को मिलेगा जो वहां पे जा रहा है, ढूंढने जा रहा है, और उसको कभी मिल ही नहीं सकता ना जो जा ही नहीं रहा है वहां पे उसको ढूंढने। तो इसीलिए आप अपना कर्म करते रहिए, कर्म जो है वही फल उसी को मिलेगा ना जो कर्म कर रहा है। क्या बैठे रहने वाले को फल मिल सकता है क्या? आप अपने से ही सोचिए कि कोई जो है कुछ नहीं कर रहा, बैठ के सोच रहा है कि मुझको ये मिल जाए वो मिल जाए, मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जो उसके लिए मेहनत कर रहा है उसको हो सकता है आज नहीं मिल रहा हो, कल नहीं मिल रहा हो, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा। क्योंकि लगातार वहाँ तक, जैसे कोई यहाँ से मान लीजिए आप जो है घर से स्कूल जाना शुरू किए, तो जो है आप स्कूल जाना शुरू किए तो हो सकता है रास्ते में कुछ प्रॉब्लम आए, नहीं पहुंच पाए, लेट हो रहा है वो, लेट पहुंचे या फिर एक दिन नहीं जा पाए दूसरे दिन पहुंचे, लेकिन क्या जो घर बैठा है वो अपने से स्कूल पहुंच जाएगा? खाली घर बैठे सोच रहा है मुझे स्कूल जाना है, वो तो पहुंचेगा ही ना, वो तो पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो बैठा है, वो तो कर्म ही नहीं कर रहा। आप तो चल रहे हैं, आप चल रहे हैं तो जो है एक न एक समय आप पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो इसी लिए कहा जाता है ना कि बस आप अपना कर्म करते रहिए, एक दिन जो है फल जरूर मिलेगा। कर्म करते रहिए, उसका फल आप मिलेगा, क्योंकि आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जब प्रयास कर रहे हैं तो एक ना दिन उसका परिणाम आएगा ही आएगा। तो आज प्रयास अच्छा करोगे तो परिणाम भी अच्छा आएगा, प्रयास ही सही नहीं करोगे तो परिणाम अच्छा आने की कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप? तो मैं मैथ का टीचर हूँ, देखिए मैथ आपको पढ़ाता हूँ, अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ में कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमेशा मैं कहता हूँ कि अपने वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, वो लोग भी जाने, उनका भी अगर मन है सीखने का तो वो भी कुछ सीखेंगे। मंजिल वही पार करते हैं जो जो है रास्ते की शुरुआत करते हैं, ठीक है, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं, मंजिल वही पार करते हैं जो सफ़र की शुरुआत करते हैं।